जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्यारे दोस्तों जैन धर्म। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक थे ऋषभदेव, और जिनका प्रतीक यानी कि जिनका चिन्ह क्या था प्यारे दोस्तों, सांड। ठीक है, उसके बाद में जो ऋषभदेव है वो पारसनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, और उसने जो किसके पुत्र थे, ये पुत्र थे राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, जो ऋषभदेव थे राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और जो उसके बाद में जो 22वें तीर्थांकर थे कौन थे, अरिष्ट नेमी, और जिनका प्रतीक क्या था, जिनका चिन्ह क्या था, शंख। ठीक है, उसके बाद में जो 23वें तीर्थांकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और जिनका प्रतीक था सांप यानी कि सर्प। ठीक है, और जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है, यानी कि जैन धर्म का जिसके प्रचार प्रसार किया था, वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है वो है महावीर। ठीक है, और जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और जिनका प्रतीक था सिंह यानी कि शेर। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे, जिनका प्रतीक था हाथी। ठीक है, उसके बाद में महावीर का जन्म 540 BC कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। जो महावीर है उसका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम के वैशाली में, जो कि कहाँ है, बिहार में, और कब हुआ था, 540 BC में। महावीर का पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। जो महावीर के पिता है सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, और महावीर की माता त्रिशल्या वो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो महावीर की पत्नी है उसका नाम था यशोदा, और जो महावीर की पुत्री है उसका नाम था प्रियदर्शना। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, प्रियदर्शना। और जो महावीर की प्रथम अनुयायी या उसका दामाद था उसका क्या नाम था, जमाली। जो ये प्रियदर्शना है उसके पति का क्या नाम था, जमाली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो महावीर का बचपन का नाम था वो था वर्धमान, और 30 वर्ष की अवस्था में उसने घर त्याग दिया था। जो महावीर है उसने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर को त्याग दिया था, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, जुम्बिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर और शाल वृक्ष के नीचे। ठीक है, महावीर ने अपने प्रथम उपदेश कहा दिया, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहा दिया, वो दिया राजगीर में। राजगीर में महावीर ने अपना प्रथम उपदेश दिया। उसके बाद में महावीर ने अपना उपदेश प्रकृत भाषा में दिया। ठीक है, कौन सी भाषा में दिया था, प्रकृत भाषा में। ठीक है, शिष्यों को 11 गणराज्य में विभाजित किया था। जो महावीर है उसने अपने शिष्यों को 11 गणराज्यों में विभाजित किया। जो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी, जो पहली बौद्ध समिति हुई थी, वो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, जो 322 BC में हुई थी, जिसका नेतृत्व किया था, जिसने अध्यक्षता की थी, जिसकी स्थूल भाव ने यानी कि स्थूल भद्र ने। ठीक है, और तथा शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी सभा के जैन धर्म को दो भागों में विभाजित हो गया था। जो उसके बाद में जो जैन धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहना करते थे, जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो नग्न यानी कि जो वस्त्र नहीं पहनते थे वो थे दिगंबर। ठीक है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूल भद्र यानी कि स्थूल भाव। जो जैन समुदाय था उसके जो प्रथम विभाजन यानी कि श्वेतांबर थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे, उसके थे स्थूल भाव। और जो दिगंबर संप्रदाय थे उसके संस्थापक कौन थे, जो दिगंबर जो बिना वस्त्र पहनते थे उसके संस्थापक कौन थे, भद्रभाव। ठीक है, कौन थे, भद्रभाव। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में ग्रहणित किया। जो जैन धर्म उसने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ ग्रहण किया, सांख्य दर्शन में। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी जैन संगीति वो वल्लभी गुजरात के क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, जो दूसरी जैन समिति हुई थी वो कहाँ हुई थी, गुजरात में हुई थी, गुजरात के कहाँ, वल्लभी में, और किसके अध्यक्षता में हुई थी, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुक नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जो प्रथम जैन भिक्षुक नरेश थे दधिवाहन, उसकी पुत्री का क्या नाम था, चंपा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जैन धर्म के त्रिरत्न, जो जैन धर्म के तीन रत्न थे वो कौन कौन थे, तो सम्यक दर्शन, उसके बाद में सम्यक ज्ञान, और फिर सम्यक आचरण। ठीक है, हम बोल सकते हैं नॉलेज, फेथ और करेक्टर। ठीक है,
जो त्रिरत्न है उनकी अनुशीलन में पांच महाव्रत का पालन करना अनिवार्य था। कौन कौन से थे? पहला पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य वचन, फिर तीसरा था अस्तेय, फोर्थ था अपरिग्रह, और फिर पांच था ब्रह्मचार्य। ठीक है, इन पांचों का हमें अनिवार्य पालन करना पड़ता था, ठीक है, इनको जैन धर्म को। ठीक है, जैन धर्म के ईश्वर की मान्यता नहीं है, पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास था। जो जैन धर्म था वो ईश्वर को नहीं मानता था, ईश्वर में मान्यता नहीं थी, और वो पुनर्जन्म और एवं कर्म में ही अपना विश्वास रखते थे। जो पुनर्जन्म थे उसमें अपना विश्वास रखते थे। जैन मठों को बसदी कहा जाता है, जो जैन मठ है उनको बसदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में किस स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई? जो महावीर स्वामी उसकी मृत्यु हुई थी पावपुरी राजगिरी में, और कब हुई थी? 468 BC में। ठीक है, और मल राजा सस्तीपाल के राज प्रसाद में स्वामी का निर्वाण हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जो जैन साहित्य है उसको क्या कहा जाता है? आगम। ठीक है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? किसने की थी? भद्रभाव ने। ठीक है, महावीर स्वामी यति कब कहलाई? जो महावीर स्वामी है वो यति कब कहलाई? ग्रह त्याग देने के बाद। ठीक है, जब उसने ग्रह त्याग दिया था तब वह क्या कहलाए थे? यति। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? जो जैन धर्म है उसका सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी। ठीक है, चंपा नगरी वो सबसे बड़ा केंद्र था किसका? जैन धर्म का। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? जो जैन धर्म है उसका संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया था? प्रकृति और अर्धमग्धी। ठीक है, उक्त प्रकृत भाषा में, और दूसरा था वो था अर्धमग्धी, यानी कि अर्धमगध की भाषा से। ठीक है, उसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता था? पूर्ण ज्ञान जो प्राप्त कर लेता जैन धर्म में उसको कहते थे कैवल्य, कैवल्य कहा जाता। ठीक है, कलिंग राजा खारवेल तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी। ठीक है, जो जैन धर्म था उसके अनुयायी कौन थे? कलिंग राजा खारवेल तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन। ठीक है, उसके बाद में जैन धर्म के लोगों द्वारा शरीर को भूखा रखकर और प्राण त्यागने की विधि क्या कहलाई? संलेखना। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? संलेखना। उसके बाद में जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो क्या था? अहिंसा। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था जैन धर्म का? अहिंसा था। ठीक है, उसके बाद में जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किस में मिलता है? जो जैन धर्म उसके तीर्थंकर की जो जीवनी है उसका उल्लेख किस में मिलता है? कल्पसूत्र में मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कल्पसूत्र की रचयिता कौन थे? जो कल्पसूत्र है उसकी रचयिता कौन थे? वो थे भद्रभाऊ। ठीक है, उसके बाद में जो महावीर ने मगध नरेश बिम्बिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था, जो महावीर ने उपदेश कब दिया था? नरेश जो है मगध के नरेश थे बिम्बिसार, उसके शासनकाल में उपदेश दिया था। और जो जैन धर्म है उसके पांच महाव्रत भिक्षु के लिए अनिवार्य थे। जो पांच महाव्रत थे भिक्षुओं के लिए अनिवार्य थे वो कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और फिर ब्रह्मचार्य। ठीक है, और उसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। और जो जैन धर्म के लोग थे, जो जैन धर्म की पालन करते थे, वो ईश्वर में मान्यता नहीं रखते थे। और उसके बाद में जो जो अंतिम पॉइंट है वो है हमारा महावीर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जो पुनर्जन्म में उसमें विश्वास रखते थे, और उसके बाद में जो मतलब कि मृत्यु होने के बाद में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो मोक्ष प्राप्त होने के बाद में उसे क्या कहा जाता है? कैतल्य। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।